हेमलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। दिस इज साकिब मलिक और आप मुझे ही देख रहे हैं यकीनन। और हम आए हैं उकाड़ा सिटी में और एक ये बड़ी उकाड़ा कैंट की बड़ी अच्छी एक प्लेस है कॉफी ओ क्लॉक के नाम से। तो यार रोटी शोटी खाने आए हैं तो देखते हैं क्या क्या मजे का खाने को मिलता है। इसकी एंट्रेंस पे थोड़ी सख्ती है क्योंकि कैंट एरिया है, इस वजह से मैं आपको सारा व्यू दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ जो कुछ होता हो मैं लाजमी आपको दिखा दूँ। भाई साहब अंदर जा रहे हैं, हमारे साथ भाई साहब भी साथ है। और यार इनकी एंट्रेंस पे ना इन्होंने कोई इतनी ज्यादा वो मजेदार चीज नहीं कोई बनाई, कोई लाइटें शाइटें नहीं लगाई हुई। यार देख सकते हो साइडों पे बिल्कुल ही गार्डन है, होता नहीं दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कुछ भी। आप देख सकते हो ये साइडों पे लाइटें भी चल रही हैं, यहाँ पे अभी जहाज लगता लैंड होगा। भाई साहब ये व्यू है कॉफी ओ क्लॉक का और ये बेसिकली होता ही सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए। यार दूर दूर तक कोई चीज नहीं है, मतलब इन्होंने ये चीज यहाँ सिर्फ बनाई हुई है। और इधर भी देख लो तुम लोग अंधेरा है, उधर भी देख लो अंधेरा है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा इनकी सबसे खूबसूरत चीज इन्होंने ना पूरे पाकिस्तान को मेरे ख्याल से डिवाइड करके ना, या पूरी दुनिया को उतनी खैर पाकिस्तान को डिवाइड करके एक जमीन पे छोटे से जमीन के छोटे से साइज में फेंका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो अगर हम जाते 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 पहुंचे तो हम ये इस बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। आ रहे नजर यार, और ये यहाँ पे छोटी छोटी कश्तियां आ रही हैं और यहाँ पे सारे सारे इन्होंने खित्ते बनाए हुए हैं। ये देख लो पाक ईरान बॉर्डर फिर से आ चुका है, ईरान आ चुका है साथ में और वहां तक यार इसमें इंडिया है। वो देखो यार आप देख सकते हो इंडिया को, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इंडिया के पास चलते हैं, चलते 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 यू इंडिया के पास आ चुके हैं। यार ये इन्होंने इंडिया का व्यू दिया हुआ है, मतलब है ना बड़ा खूबसूरत करके, आर्मी लोगों का इलाका है ना इसलिए इन्होंने ये चीज बनाई हुई है। तो चलते हैं यार, हम चलते हैं खाने पीने वाली जगह पे अपने, और कुछ अपने पेट को आराम देते हैं और आपको साथ साथ कोई डिलीशियस सा फूड भी दिखाते हैं साथ साथ। यार पचो 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 यार आप देख सकते हो ये यार ये चीजें बड़ी मजेदार होती हैं खाने वाली चीजें, बेसिकली तो वो डेजर्ट वाली चीजें ही हैं। और काफी अच्छा वेन्यू भी दिया हुआ इन्होंने। Few inches later, तो भाई सब खाना शाना हमने खा लिया, लेकिन वो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस के बच्चे थे कि उन्होंने किसी भी चीज पे हमें वीडियो शीडियो नहीं बनाने दी यार, ना कोई चीज दिखाने दी, सारा सीन मिस करा दिया मेरे व्लॉग का। नहीं यार हद होती है यार, कोई चीज दिखाने नहीं दी यार, कैमरा शैमरा बंद कर दिया, लेकिन बाहर आके फिर आपके भाई ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो यार अब मेरा तो पेट तो भर गया, लेकिन यार तुम लोगों को क्या दिखाऊंगा मैं। अब हम इसके अलावा कहीं और भी जाएंगे, अभी जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। है देख सकते हो हमारी सवारी जो है वो आ रही है बड़ी लश करती हुई। वैसे तो ये कार थोड़ी डिफॉल्टर टाइप वो हुई है, ड्रिंक्स जो है वो हमारी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है ना हमें जो है नुमान भाई प्यारे भाई है हमारे, हमें कोई दो शॉट्स लगवाएंगे यहाँ पे मजेदार से हैं। हमें नुमान भाई ने स्पेशल जो ये दो शॉट्स दिए हैं इसको, यार पीले इसको। अच्छा अभी एक मिनट लगेगा यार, ये भाई कुछ करने लगे हैं अभी यहाँ पे, ऐसे नहीं पिला रहे हमें, कह रहे कुछ करने दो फिर पीना, तो देख लेना यार। ओए भाई साहब देख सकते हैं तो आग में, आग भी उठाना पड़ेगा। आग लगा hours later। भाई साहब धुंध का आलम आप देख सकते हैं, कुछ नजर तो आ नहीं रहा, लेकिन हम इधर आ गए हैं फिर भी कोई ना कोई चीज मिल गई है खाने के लिए। खाने के लिए हम आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको मंजर। यार ये एक अच्छा कैफे खुला है, काफी लेट नाइट जो रात खुला है, इन्होंने भी ना वो कॉफी ओ क्लॉक की तरह एयरपोर्ट वाली लाइट्स लगाई हुई हैं। देखो यार कोई करने वाली बात है यार। भाई साहब सूप हमारा आ चुका है अभी बस, और कुछ खाने वाली चीजें रह गई हैं जो भी आएंगी तो वो भी दिखाते हैं यार। गाइस पास्ता आ गया हमारा, गाइस पास्ता आ गया। अच्छा भाई साहब इसको डालते हैं, टेस्ट करते हैं यार ये कैसा होता है, यार टेस्ट करके बताते हैं आपको। गाइस मजेदार मजेदार
यार ये देखो एक लड़का पागल हो गया हमारे दरमियान जो धुंध को देख के वैसे ही क्या हो गया तुम्हें यार ये सुपरमैन देख लो यार फॉग बहुत पड़ी है और हम आपको सुपरमैन दिखाते हैं नॉन पीटीए सुपरमैन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार सीन ये है कि बाकी दोस्त जा चुकी हैं ठीक है और मुझे पैदल चलना पड़ रहा है और फॉग बहुत है और अंधेरा भी बहुत है और रात का टाइम भी तकरीबन 3 से ऊपर है तो यार अल्लाह ही खैर करे। The next day. एम्बलो जी यार अगला दिन स्टार्ट हो चुका है तो रात को बहुत ज्यादा फॉग थी ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम था और इतनी फॉग थी और अंधेरा भी बहुत था लाइट ही कोई नहीं थी उधर तो यार खैर से पहुंच तो गए थे और घर भी आ गए थे आगे लेट भी गए थे सोए लेकिन लेट थे तो यार जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे लेकिन नहीं दिखा सके उसकी एक वजह थी क्योंकि एक मैंने आपको कंटेंट ऐसा दिखाना था जिसमें एक मेरा दोस्त है वहीं पे और उसके ना परफ्यूम्स की उसके पास इतनी हाई लेवल की कलेक्शन है आप ये देख रहे होंगे वीडियो में साइड पे आपको नजर आ रही होगी बहुत हाई लेवल की कलेक्शन है वो यार फिर किस दिन टाइम मिला तो आपको लाजमी दिखाएंगे और उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी उसके अलावा हमने अपने एक दोस्त से भी मिलना था उसकी भी तबीयत ज्यादा ही कुछ नासाज होने की वजह से हम उसे नहीं मिल सके जिससे हम पहले व्लॉग में मिले थे तो अभी यार हम जा रहे हैं गुजरांवाला रास्ते में है तो रास्ता तुम लोग देख सकते हो यार चलें जी भाई साहब मेस्ट्रो पहुंच चुके हैं गुजरांवाला का माना जाना एक अच्छा रेस्टोरेंट है तो बाकी अंदर जाके खाने पीने दिखाते हैं इनके कौन कौन से हैं हम करेंगे शुरुआत चीज नान के साथ नहीं जी हमारा खाना शाना प्रॉपर आ गया यार तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मखनी है और ये चीज कबाब है तो भाई साहब खाना शाना खा लिया हमने ठीक है और हम हो गया फुल ऊपर तक तो मजीद अब खा नहीं सकते यार बाकी आगे खाने वाली चीजें आपको अगले व्लॉग में दिखाते हैं तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू